राजेंद्र प्रसाद हैं, एगो नेता हैं, उनके घर लेके चलते हैं। दरवाजा खटखटाया गया, उनकी बीबी निकली। हाँ बोली का बतवा, का बतवा? बोला हम राजकुमार शुक्ला। तो के हवा हम गांधी जी। तो बोला अच्छा, तो नहीं की। अब आपको पता है कि कुछ अधिनियम के द्वारा यह भी पारित हुआ था कि ब्रिटेन के लोग यानी आम नागरिक भी भारत में बिजनेस कर सकते हैं। अब लोगों को लगने लगा कि भैया नील का खेती करोगे बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा। कितना तो अंग्रेजों कर्जा ले लेके, लोन ले लेके यहां पे पूरा फैक्ट्री खोला सब। अब सभी किसानों को नील का खेती करने के लिए एकदम बाधित कर दिया। अब कहता था कि अगर आपके पास एक बीघा जमीन है तो 3 कट्ठा पे नील की खेती करना बहुत जरूरी है। अब उसका नील का खेती का जो जड़ है वो इतना गहराई में जाता था कि पूरा का पूरा पानी सोख लेता था। अब पूरा वो हो जाता, जमीन क्या हो जाता था? बंजर। धीरे धीरे नील की खेती में होने लगा था नुकसान। अब नील मालिक भी सोच रहे थे कि किसी तरह से हम अपना नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई करके यहां से निकले। और किसान भी हो रहे थे बर्बाद, काहे कि 3 कट्ठा में अगर नील का खेती कर रहे थे लोग तो ना उनको सही दाम मिल रहा था, ना उनको सुविधा मिल रहा था, और उनका जमीन भी हो जाता था क्या? बंजर। अब अगर किसान बोलते थे कि हुजूर हम नील की खेती ना ही करम, बोला तोरा करेगा पड़ी, हम ना करम, तो बोला ठीक, तोरा साथ अग्रीमेंट हुआ है, एक काम कर, मुआवजा दो, और तोरा पे 46 तरह का टैक्स लगा दिया लोग, सिंचाई तो ई तो ऊ, यहां तक कि यहां के किसानों पे इतना गजब गजब का कर्जा हुआ था। अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन अगर कटहर उगल है तो कटहर वहां पहुंचाने जरूर जाता था। मतलब आपके घर में कुछ अगर हो तो आपको यहां अपने घर से ज्यादा यहां पहुंचाना, इन मालिकों के पास पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब एक तरह से देख लीजिए, ये लोग कौन हो गए? ब्रिटिश के नागरिक। ओही में वो टुनू से किसान है वो थे, झोला छाप किसान कह सकते हैं, जिनका कोई वर्चस्व नहीं था, एकदम आम आदमी। ऐसे झोला लिए गए पटना, बोला ए सर चंपारण बड़ी कष्ट हो रहा है, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ लिखिए ना पेपरवा में, छापिए ना, जो राष्ट्रीय नेता लोग के पास पहुंचे, हमको लिखने उखने भी नहीं आता है, एकदम अनपढ़ा इंसान। बटाला बोला लोग चंपारण को लिखे रे। अब गए फिर लखनऊ, लखनऊ में गए और वहां किसी तरह से किसी पेपर में छोटा सा जगह पे चंपारण की जो दयनीय स्थिति थी वो छपवा दिए। और उसके बाद वहां पे अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी भी पहुंचल थे और गांधी जी से किसी तरह से वो मिलने का कोशिश किए। अब गांधी जी इतने भीड़ में लोग थे, ओकरे में राजकुमार शुक्ल बोले ऐसा तो देखिए ना चंपारण में ऐसा, सर आ जाओ देखिए चंपारण में ऐसा ऐसा स्थिति है, हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा मिलेंगे बाबू। अब सोचिए कौन आदमी आ गया है, इतना हजारों में से वो निकल के बोला ठीक है मिलेंगे मिलेंगे, चलिएगा ना, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मतलब उस समय राजकुमार शुक्ल को समझ नहीं पाए। अब फिर गांधी जी वहां से निकल गए अहमदाबाद। जैसे ही अहमदाबाद पहुंचे पता चला कि राजकुमार शुक्ल वहीं पहुंचल है। प्रणाम सर, अरे तुम यहां भी आ गए क्या? बोला हाँ सर चलिएगा ना, बहुत स्थिति खराब है सर, आप पे जाना बहुत जरूरी है, अगर आप पहुंच गए ना तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि अंग्रेज भी आपका बात मानता है सर, किसान लोग का स्थिति बहुत खराब है। बोला अच्छा 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 पहुंचेंगे पहुंचेंगे, अभी हम थोड़ा कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाकर उसके बाद हम सोचेंगे कुछ। बोला कब जाएंगे सर कलकत्ता? तो 7 अप्रैल को हम कलकत्ता उतरेंगे और कलकत्ता से फिर सोचेंगे। मतलब बात को जो टालना होता है ना, गांधी जी खाली टाल रहे थे। अब गांधी जी 7 तारीख को कलकत्ता पहुंचे, ओका से पहले राजकुमार शुक्ल सर, बोला ये कौन आदमी है, वो जला हमें पीछे पड़ गया है दम सर, धोतिए पकड़ के सर चली ना। भाई देखिए अंग्रेज की औकात बतानी है कि निकल गए हैं, निकल गए हैं मंजिल को पाने के लिए, निकल गए हैं मंजिल को पाने के लिए, रास्ते में मिले ठोकरे मुझे
हिलाने के लिए। समझ में आया? ना टूटा ना रुका, चलता रहा रास्ते पर मैं। ना टूटा ना रुका, चलते रहा रास्ते पर मैं, क्योंकि बनानी थी पहचान उसकी औकात बताने के लिए। समझ में आया? मतलब ऐसा काम करो किसका औकात पता चल जाए कि किसको छोड़े थे। समझे? और यही ला एक चीज और कहते हैं, राजकुमार शुक्ल के पास कुछ भी नहीं था, ना ज्ञान था, ना कुछ था, ना पैर भी था। एक आम इंसान जिसके पास मतलब जीने के लिए कुछ भी एक नहीं था, एक बस एम था कि मुझे किसानों को बचाना है। लखनऊ गए, अहमदाबाद गए, कलकत्ता पहुंच गए, गांधी जी बोले, अपने लेखों में बोला था उन्होंने कि ये एक अनपढ़ आदमी सच बताए तो मेरा दिल जीत लिया, सच बताए तो मेरा दिल जीत लिया। चलो चलो चलते हैं। और बात कलकत्ता से, कलकत्ता से यहां पे गए पटना। अरे कलकत्ता से गए पटना, पटना से गए दिल्ली, है ना, गनवाता है ना। कलकत्ता से गए पटना। अब राजकुमार शुक्ल का हाथ पर कांपे लगा, काहे? पर एक चीज बताइए, आपके यहां कोई इंग्लैंड से भाई आ जाए, कोई बड़ा भाई आ जाए, इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से है, जिससे मिलेगा ना, जो दोस्तों से मिलेगा, बोला भैया है इंग्लैंड से रहते हैं, तो लगता है कि भाई विदेश से कोई आया है। अभी तो 20 साल अफ्रीका रह लेते हैं, और इतना बड़ा आदमी आपके साथ एगो ट्रेन में बैठ के चल रहा है, तो हाथ पर फूलेगा कि नहीं फूलेगा? जिसके पास कुछ भी औकात नहीं है, किसी तरह से शुक्ल सोच रहे थे ले तो लिए हैं, किन्ने ले जाए भैया, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। अब ओकरा बाद बेचारा पटना उतरे, उतरने के बाद बोले आप किन्ने किन्ने? बोला वो राजेंद्र प्रसाद है, एगो नेता है, उनके घर लेके चलते हैं। दरवाजा खटखटाया गया, उनकी बीबी निकली, हाँ बोली क्या बात बा, क्या बात बा? बोला हम राजकुमार शुक्ला। तो के हवा ये हम गांधी जी। तो बोला अच्छा, तो नहीं की ला राजेंद्र प्रसाद घर पे आइए ना, इतना बड़का नेता और राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं, लेकिन पहले का वो अच्छा आदत था। आज के देख मतलब कहता ना कि पहले गेट खोलिए, नाश्ता उस्ता पानी उनी पिला के जरूर भेजते थे लोग, है आज के डेट में था केकड़ा खोजे तो नहीं थे, क्या नाम हमारा पड़ी है बता दे जाए। आज के डेट में कोई नहीं चाहता गेट खोल के बैठा के चाय पिला के भेजे, है कि नहीं? तो पहले वही बैठे सोचने लगे, शुक्ल साहब भी सोचने लगे, अब का धीरे धीरे भेज दिए वहां पे, क्या बोलते हैं, गांधी जी बोले कि मजरूल हक के पास हमारा ले चलो। मजरूल हक मेरे साथ बैरिस्टर का पढ़ाई करते थे इंग्लैंड में, मेरे मित्र हैं, वहीं पर चलो। वहां पर गए, अब शुक्ल साहब सोचने लगे कि भैया यो बैरिस्टर वो बैरिस्टर सब तो एकदम बड़ा बड़ा आदमी, हम चलिए चलिए सर। मजरूल हक बोले अरे तुम यहां पटना में कहला? बोला ये शुक्ला से, ये कौन है? नहीं किसान है चंपार का, अगला कहे का कहला है? नहीं नहीं सब कुछ बात है, पर रहिए हमारे साथ, यहाँ पे हवेली है, सब कुछ है, आता है इनके साथ, आप इधर उधर चंपारण जाइएगा, इतना बड़ा नेता आप हैं। माली भट्ट बोला नहीं नहीं बस खाली आपसे मिलने आए हैं, हमारे मित्र हैं आप, आपसे मिलने आए हैं, लेकिन जाना तो वही है जहां पर राजकुमार शुक्ल लेके जाना चाहते हैं, जाएंगे वहीं पे। ओकरा बाद चले गए, गए तो भाई जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल बोले कि आप इनको लेकर आइएगा, हम पहले चले जाते हैं। और शुक्ला साहब पहले चले गए, और जेबी कृपलानी से थोड़ा सा दिन में एक दो दिन के बाद आना था, कहे कि राजकुमार शुक्ल बोल दे जाके गए वहां पे, और बोलने लगे कि बस आ गए गांधी जी आ गए हैं, अब उनके स्वागत के लिए पूरा स्टेशन पहुंच जा सब, बस 15 तारीख को मोतिहारी स्टेशन, बस गाड़ी रुक का, हजारों लाखों की संख्या में बस इंतजार कर रहा था कि हमारे गांधी जी आ गए। ओकरा बाद सब अंग्रेजों घबरा गया, बोला कौन आया हो, इतना आदमी जुड़ गया। गांधी जी आए,
दो दिन पूरा कहा जाता है ना, चंपारण का एक गांव 8000 किसानों से मिले और पूछे कि तुम्हारी समस्या क्या है, और एक एक समस्या बताया गया है कि देखिए ये मिल मालिक हम लोग को ना टैक्स लगा लगा के बर्बाद करना चाहते हैं और अपने नुकसान की भरपाई हमसे ही करना चाहते हैं, हमारे खून सींचना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा रुको हम अपना हथियार निकालते हैं, स्टैंडर्ड ना निकालेंगे, निकाले कौन, सत्याग्रह। बस उनका एक ही उपाय है, जन्ने हो थप से बैठ जाओ, बस थप से बैठिए, कुछ मारते रहो डांटते रहो हमारा कुछ ना सुनाई देता है, बस हमारी मांगे हैं जो उपका कीजिए पूरी कीजिए। गवर्नर था, हलवा गया, बोला आप यहां से जाइए, ना जाएंगे नहीं, देखिए अच्छी बात तो यहां पे यहां से ले जाएंगे तो आप पे केस हो जाएगा, कर लीजिए। अचानक उन लोगों को पता चला कि इतना सर्वे कर रहे थे तब कि वो गांव में कोनो किसानों पर बड़ा जुल्म ढाया जा रहा था। गांधी जी को मैसेज आया, व्हाट्सएप किया गया होगा या वायरल हो गया होगा फोटो हुआ, तो ये लोग कहा कि ये कि अपना मसडीज निकाले, मसडीज का था हाथी, हाथी पे तीन चार लोग बैठ कर ओ ओ करके जा रहे थे। अब जैसे ही जा रहे थे तब एक पीछे से गाड़ी आया, एक हॉक साहब थे, क्या बोलते हैं, CW हॉक नाम था उनका, वो वही थे, और उन्होंने एक भेज दिया लेटर, लव लेटर था, कहे गांधी जी आप यहीं से लौट जाइए नहीं तो आप पे केस मोतिहारी में चलेगा और आप पे वारंट निकला है। बोला वारंट, बोला ठीक है चलो, और वहीं से गए जेल में। और पूरा जब जेल की जब जाने की बात हुई ना तो पूरा गांव गांव से लोग उनके साथ चलने लगे। बोला केस चलेगा तो बिहार में, मुगल थी अहमदाबाद में और कहीं नहीं, जेल जाएंगे तो बिहार में, ले जाओ मुझे जेल। बोला जमानत के लिए कुछ ना, ही कुछ, सीधे जेल, कोई पैर भी नहीं। सब आदमी हैरान, गांधी जी बस चाहते थे कि सुनो तुम पे अत्याचार हो रहा है, जगो जगो, तुम्हारे लिए मैं जेल में जा रहा हूं, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गांधी जी जेल में बैठ गए थप से, बाहर पूरा हजारों की लाखों की संख्या भीड़, अंग्रेज और घबरा गए, बड़े बड़े जगह से फोन आने लगा, फेकरा बंद कर लिए हो आए? तो पता नहीं है अभी गांधी जी इतना लोग को भेज ले थे, जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो। बोला छूटेंगे तो एक शर्त पे, पहले कमीशन बैठाइए, जांच कीजिए, हमने 8000 किसानों से पूछा है यहां पे अत्याचार हो रहा है तो हो रहा है, जबरन पैसा वसूला गया है यहां से, पूरा जांच बैठेगा और तीन कठिया पद्धति उसको समाप्त किया जाए तब यहां से होगा। अब फिर वो आदमी था जिसका नाम था सलाई, ठीक है, और सलाई साहब की अध्यक्षता में एक कमिटी बैठा, कमिटी में फैसला लिया गया कि पहला जो तीन कठिया पद्धति है उसको क्या किया जाए, समाप्त। उसके बाद जो कर वसूला गया है 25% उनको क्या किया जाए, वापस, जो वसूला गया था 25% हजाने के रूप में वापस किया जाए, और जो नील कठिया पद्धति थी उसको क्या कर, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब किसानों के साथ कोई टैक्स वैस वाला नहीं रहेगा। एक चीज जान लीजिए, ये इतिहास के पन्ने में, भारत के आजादी के पन्ने में एक पहला कदम माना जा सकता है, क्या है कि एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज के कमिटी, दूसरे अंग्रेज के प्रति जांच लगाया था, यानी एक तरफ नील मालिक, मिल मालिक जो नील के जो मालिक थे वो, और एक तरफ जो जज थे वो, कमिटी थी अंग्रेज की। अब दोनों का टक्कर हुआ और इसमें हारा कौन, अंग्रेज। ये बहुत बड़ी बात है, जानते हैं वहां से ना ये हार का बर्दाश्त हो नहीं पाया, सब जितना अंग्रेज यहां कोठी खुले था मुंह लजा कर यहां से लोग वापस गए थे, मतलब एक बुढ़ऊ के चलते, यानी गांधी जी चलते, एक बहुत बड़ा प्रयास रहा। लेकिन इनके प्रति एक आलोचना भी होता है, पहले तो आपको यह भी पता होगा कि रविन्द्र टैगोर ने इनको क्या कहा था, महात्मा, इसी समय कहा था कि ये महात्मा आदमी है। लेकिन एक बात और हुआ था, वो क्या हुआ था, आलोचना करने वाले बहुत तरह का आलोचना करते हैं। एक आदमी बोला
कैसन सफलता, कैसन सफलता वाला का है जी, ई बताइए 25% का है, 100% का है नहीं। किसान के साथ अत्याचार हुआ है तो 100% देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, कहने वाले कहना शुरू कर दिए थे। लेकिन गांधी जी का नाम है, अरे बाबू जहां 0% था वहां अभी 25% आया है, और जो आज 25% आया है कल 100% भी होगा। ये तो आगाज है, लोगों के बीच में अंग्रेजों से लड़ने की भावना की जागृति हुई है इस चंपारण सत्याग्रह से। यही एक आंदोलन समझ सकते हैं कि आज अगर चंपारण जीता है तो कल खेड़ा भी जीतेगा, कल खेड़ा जीतेगा तो अहमदाबाद भी जीतेगा, और अहमदाबाद जीता है तो हमें असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन करने के भी ये जो जागृति है यही भावना पैदा करके लाएगी जिससे हमारा देश 1947 में आजादी पाएगा।